वेलकम बैक गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है देवजीत देव। सो रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे करते हो इस फोन में, इसमें तो डिस्प्ले ओवर एप्स का फीचर तो नहीं है, तो कैसे चलता है और क्या डिवाइस ओवर ऐप का फीचर इसमें इनेबल कर सकते हैं। सो आपको पहले जानकारी के लिए बता दूँ कि इस डिवाइस में ये एंड्रॉइड को पे चलता है। सो डिस्प्ले ओवर ऐप का फीचर सैमसंग ने जानबूझ के बंद करके रखा है, क्योंकि 2 GB 1 GB रैम में अगर आप डिस्प्ले ओवर ऐप का फीचर को यूज़ करेंगे तो बैकग्राउंड में ऐप्स चलेंगे। डिस्प्ले ओवर ऐप का काम क्या है कि दूसरे ऐप को बैकग्राउंड में अपने डिवाइस पे फ्लोट करके चलाएं। सो आप जैसे कि देख सकते कुछ भी रिसेंट हो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो नंबर को चीज़ आता भी नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ फ्लोटिंग विंडो को चीज़ भी नहीं आता, तो अदर सैमसंग के फोन में आता है क्योंकि उसमें 4 GB या 3 GB का रैम होता है, इसलिए सैमसंग ने डिस्प्ले ओवर ऐप का फीचर को बंद करके रखा है। सो दूसरा सवाल कि डिस्प्ले ओवर ऐप का फीचर तो नहीं है तो स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें, किसी को प्रॉब्लम होता है बहुत डिस्प्ले ओवर ऐप का फीचर नहीं है, मैं कर सकता हूँ। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इधर ऊपर में सर्च करना है, सर्च करना है इजी स्क्रीन रिकॉर्डर 2। आप देख सकते हैं इसी को ही आप डाउनलोड कीजिएगा, इजी स्क्रीन रिकॉर्डर 2, ज़्यादा MB का नहीं है, 3-4 MB का है, 50K। वैसे इस ऐप का काम ये ही है कि मतलब इसमें एक चीज़ आता है स्क्रीन रिकॉर्डर में, उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग बटन, उससे आप रिकॉर्ड वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह कर सकते हैं, तो वो चीज़ को करने के लिए डिस्प्ले ओवर ऐप का फीचर का ज़रूरत पड़ता है। तो इस वाले को स्क्रीन रिकॉर्डर में वो फ्लोटिंग बटन नहीं है, आप सीधा नोटिफिकेशन पैनल से ही जब उसको ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल से ही आप सीधा जाके इधर में पॉज मतलब वीडियो रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड और आपका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच सकते हैं इस आराम से। बस कुछ नहीं करना, बस उसको ऑन कीजिएगा। ऑन करने के बाद उसमें पहले आपको एक पॉपअप आएगा कि परमिशन दीजिए कि स्टार्ट करना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग। फिर ऊपर में आपको नोटिफिकेशन पैनल में ये चीज़ आ जाएगा, ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं ये चीज़ आ जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये बटन। फिर आपको जैसे इधर देख रहे कैमरे का बटन, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बाकी इधर में छोटे छोटे से जाके आप सेटिंग में जा सकते हैं, जिससे आप इसका क्वालिटी वगैरह जो आपको चाहिए 720p जितना चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बाकी इधर से आप उसको फिर से मतलब कैंसिल करने का वो वगैरह वगैरह। सो यही सब था इस वीडियो में। आई होप ये सवाल पूछा उसका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि डिस्प्ले ओवर ऐप का फीचर नहीं है इस फोन में। प्रॉब्लम तो होता है पर हम क्या करें, सैमसंग ने जानबूझ के नहीं दिया, जानबूझ के दिया है नहीं दिया है इस फीचर, क्योंकि हमारा फ़ोन का रैम बहुत कम है, ज़्यादा ऐप्स अगर बैकग्राउंड में चलेगा तो फ़ोन पूरा लैग कर जाएगा, सो इसलिए सैमसंग ने नहीं दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा।